हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा, आज हम क्लास 3 की जो वर्कशीट है आपकी, जो आजकल चल रही है आपके रीडिंग अभियान से रिलेटेड है, हिंदी की, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे, ओके। आज की डेट लिखेंगे। आज की डेट है क्या है बच्चों, बताएंगे कमेंट्स में मुझे। 20/01/2000 कौन सा ईयर हो गया, 22, ओके। तो डेट लिखेंगे, रीडिंग अभियान हिंदी लिखेंगे, कार्य पत्रिका संख्या कौन सी है, 4, ठीक है। तो सभी बच्चे लिखेंगे अपनी कॉपी में। कक्षा 3 अपना सेक्शन लिखेंगे, ABC जो भी आपका सेक्शन है बच्चों। और ये है आपका प्रथम सप्ताह यानी कि पहला वीक। तो अपना नाम लिखना है हर पेज पे, जो भी आप अपने टीचर को काम भेजते हैं क्या करेंगे सभी बच्चे, हर पेज पे अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे, सेक्शन, अपने टीचर का नाम, ओके। और जो आज की वर्कशीट है, इसका जो विषय यानी कि इसका टॉपिक है, क्या है इसकी थीम, मेरा परिवार। क्या है बच्चों, मेरा परिवार। बेटा, आपके परिवार में कौन कौन है मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ओके। शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, दूसरों की सहायता करना एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए नीचे दी गई इस कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ कौन किसकी मदद कर रहा है। लेट्स रीड इट नाउ। बेटा, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या क्या मैम रीड करती हैं, उसके बाद आप लोग भी खुद से भी रीड करेंगे, ठीक है। गौरव और सिद्धार्थ दो भाई थे। करते हैं एक बार रीडिंग फिर से। गौरव और सिद्धार्थ दो भाई थे, दोनों खूब खेलते पढ़ते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों भाई अपने घर के पीछे खेल रहे थे, तभी वहाँ एक कमरे में उन्हें बिल्ली के 2 छोटे छोटे बच्चे मिले। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी, दोनों बच्चे अकेले थे, उन्हें भूख लगी हुई थी इसलिए वे खूब रो रहे थे। गौरव और सिद्धार्थ ने जब दोनों बिल्ली के बच्चों को रोते देखा तो वे अपनी माँ को बुला कर लाए। माँ ने रोते हुए बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाया। अब बिल्ली के बच्चों की भूख शांत हो गई और वे दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर गौरव और सिद्धार्थ बोले, बच्चे खुश हैं, लगता है अब इनकी जान बच गई है। इस कार्य के लिए माँ ने दोनों बच्चों को शाबाशी दी, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। गौरव और सिद्धार्थ दो भाई थे, दोनों खूब खेलते पढ़ते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों भाई अपने अपने घर के पीछे खेल रहे थे, तभी वहाँ एक कमरे में उन्हें बिल्ली के 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिले। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी, दोनों बच्चे अकेले थे, उन्हें भूख लगी हुई थी इसलिए वे खूब रो रहे थे। गौरव और सिद्धार्थ ने जब दोनों बिल्ली के
बच्चों को रोते देखा तो वे अपनी माँ को बुला कर लाए। माँ ने रोते हुए बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरे दूध पिलाया। अब बिल्ली के बच्चों की भूख शांत हो गई और वे दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर गौरव और सिद्धार्थ बोले, बच्चे खुश हैं, लगता है इनकी जान बच गई। इस कार्य के लिए माँ ने दोनों बच्चों को शाबाशी दी। ठीक है, तो बच्चों अब आगे देखते हैं क्या आता है प्रश्न। शाबाश बच्चों, आपने अब कहानी बहुत ध्यान से पढ़ी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। बेटा आपने कहानी पढ़ी, मैम ने आपको सुनाई भी है, एक बार खुद से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए व उत्तर खाली जगह में लिखिए। गौरव और सिद्धार्थ ने घर के पीछे खेलते हुए कमरे में किसे देखा? बेटा जब वो दोनों खेल रहे थे उन्होंने किसको देखा था बताएंगे? बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, तो आप लिख देंगे बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, ये लिखा है। फिर अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न। गौरव और सिद्धार्थ ने घर के पीछे बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चों को कमरे में देखा। बिल्ली के बच्चे क्यों रो रहे थे? आप इस प्रकार लिखेंगे बिल्ली के बच्चे, ये नहीं लिखेंगे क्यों रो रहे थे, क्योंकि वे भूखे थे, क्योंकि वे भूखे थे। ठीक है बच्चों, हमने इधर भी पढ़ा था। उन्हें भूख लगी हुई थी, ठीक है, तो इसलिए वे खूब रो रहे थे। अगला देखते हैं बच्चों, क्या आपने भी कभी किसी जानवर या इंसान की मदद की है? आपको उनकी मदद करके कैसा लगा? तो बच्चों आपको बताना है कि आपने कभी किसी की मदद की है। तो जैसे मैंने एक बार एक डॉग था, उसको चोट लगी हुई थी, तो मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको थोड़ा सा वॉश किया और उसके मरहम पट्टी करवाई और उसके बाद वो थोड़े दिन में ठीक हो गया। मैं उसको रोज़ दूध पिलाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने उसकी मदद की, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने थोड़े दिन बाद देखा डॉक्टर वो सॉरी जो डॉगी था वो सही से अच्छे से चलने लगा था और उसकी और मेरी दोस्ती भी हो गई थी उसके बाद। ठीक है, तो आपको भी अपना ऐसा कोई एक्सपीरियंस लिखना है। अपने पसंदीदा पालतू जानवर का एक चित्र बनाइए व उसका नाम भी लिखिए। तो बेटा आप अगर कभी कोई आपके पास कोई पालतू जानवर है, अगर है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, उसका नाम भी बताना और उसका नाम यहाँ भी लिखना है और उसका चित्र भी यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास पालतू जानवर कोई भी नहीं है तो या आप कभी कोई रखना चाहेंगे पालतू जानवर, अगर आपको मौका मिलता है तो कौन सा जानवर को पालतू रखना चाहेंगे? ठीक है, और उसका नाम लिखेंगे, उसका क्या नाम लिखेंगे और इधर ड्रॉ करेंगे आप। ओके, मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों को दूसरों की मदद के लिए प्रेरित कीजिए और साथ ही उन्हें बताइए कि मदद करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है, इसलिए हमें निसंकोच सभी की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगे ना, आप बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोविड-19 के दौरान उपेक्षित व्यवहार है आपका। अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोए। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।